الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم. आज मैं आपको इस आलमी वबा जिसको WHO यानी आलमी इदारे सेहत ने कोरोना का नाम दिया है, इस सिलसिले में चंद बातें गोशे गुजार करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि इस वबा के असबाब क्या हैं, इस वबा का मूजिब कौन है, और वबा क्यों फैली। इस वक्त पूरी दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान में जो तबाहियां आई हुई हैं, हर आम खास समझता भी है और अपनी जबान से कहता भी। क्या समझता है और क्या कहता है कि इस वबा का जिम्मेदार, कोरोना का जिम्मेदार चीन है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वबा का जिम्मेदार अमेरिका है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका सबब चमगादड़ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका सबब ऊंट है। और हद से उस वक्त हो गई जब अपने और परायों ने इसका सबब, इसका जिम्मेदार मरकज निजामुद्दीन और वहां आने वाली जमातों के अहबाब को करार दिया। हिंदुस्तान में हमारे बिरादरान वतन और हुकूमती अहलकारों के साथ साथ मीडिया वालों ने मरकज निजामुद्दीन और अहबाब निजामुद्दीन के सिलसिले में जो तूफान बदतमीजी की वो अपनी जगह। हमारे रोशन ख्याल कहे जाने वाले बाद मुसलमानों ने, जिनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मदरसों में भी तालीम हासिल की, उन्होंने भी लान तान की। उनमें सरे फहरिस्त मैं जाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं जो जामिया मिल्लिया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं उन्हें सोशल मीडिया के तवस्सुत से जानता हूं और ऐसा महसूस होता है कि वो एक खास मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। कोरोना के इस दौर में जिस किसी से सुने वो यही कहता नजर आ रहा है कि फुला इसका जिम्मेदार है, फुला की वजह से हुआ। लेकिन आज तक आपने किसी की जबान से ये नहीं सुना होगा कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं।
हमारी वजह से ये वबा फैली है। जिस वबा को आलमी इदारे सेहत ने कोरोना का नाम दिया, ये कोरोना मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, अल्लाह ने ये नाम नहीं रखे, किताबों में ये नाम नहीं है, किसी मजहब के पेशवा ने ये नाम नहीं रखा, बल्कि ये नाम हमारा रखा हुआ है। और सही बात तो ये है कि ये वबा भी हमारी फैलाई हुई है, इंसानों की फैलाई हुई है, इंसानों की पैदा की हुई है। लेकिन इसका सबब क्या है? इसका सबब अल्लाह की नाफरमानियां और गुनाहों का आम हो जाना है। जब अल्लाह की नाफरमानियां आम हो जाती हैं, गुनाह आम हो जाते हैं, खून सस्ता हो जाता है, औरतों की इज्जतें सस्ती हो जाती हैं, जिना आम हो जाता है, जुल्म जब्त लूट खसोट आम हो जाता है, तो उस वक्त अल्लाह पाक मुख्तलिफ सूरतों में अपना अजाब नाज़िल फरमाता है। हमारे जहन में ये बैठा हुआ है और हम ये सोचते हैं कि अजाब वही है जिसका नुज़ूल ऊपर से, जो अल्लाह ऊपर से नाज़िल करता है वही अजाब है। अल्लाह ऊपर से पत्थर बरसा दे वो आजाद है, बारिश के जरिए से बारिश बरसा दे और वो सैलाब बन जाए वो आजाद है, या अल्लाह पाक बारिश ना बरसाए तहत पर जाए वो आजाद है, अल्लाह पाक पूरी की पूरी बस्तियों को ऊपर उठाकर पलट दे ये आजाद है। तो हमारे जहन में ये खाका बना हुआ है कि आजाब उसे कहते हैं जो ऊपर से नाज़िल है। नहीं, आजाब की मुख्तलिफ किस्में हैं। आजाब का नुज़ूल आसमानों से भी होता है, अल्लाह पाक आजाब का नुज़ूल जमीन से भी फरमाता है। कभी कभी अल्लाह पाक लोगों के जरिए से भी आजाब देता है। अल्लाह पाक जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता है, वो आजाब देता है। इससे पहले हदीसों में आया है कि ताऊन का आजाब अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, ताऊन वबा की सूरत अख्तियार कर गया, लेकिन वो एक मखसूस इलाके में मखसूस जगहों पर था। लेकिन आज की ये वबा जिसे हम कोरोना कहते हैं, ये किसी खास इलाके के लिए नहीं, बल्कि ये वबा आम है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है और दुनिया इससे आजाद, दुनिया इससे छुटकारा पाने के लिए तगोतो कर रही है, कोशिशें कर रही है, पूरी कोशिश नाकाम, पूरा सिस्टम फेल। हम दूसरी जगहों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदुस्तान को ले लीजिए। हिंदुस्तान में क्या सूरत हाल है? अल अमान वल हफीज। तो अल्लाह पाक इस तौर पर आजाब नाज़िल फरमाता है। मैंने कहा कभी ऐसा होता है कि अल्लाह पाक इस आजाब का सबब इंसानों को बना देता है। हो सकता है ये आजाब जो वबा की सूरत में अल्लाह ने हम पर नाज़िल फरमाई है, इसका सबब भी बंदा हो। जैसा कि लोग कहते हैं अमेरिका ने ऐसा किया, चीन ने ऐसा किया, यकीनन किया होगा। लेकिन किया तो क्यों किया? उसने किया होगा अपने मादी फायदे के लिए,
कुछ जुरसुमे बनाए होंगे, जरासीम बनाए होंगे, कुछ जहरीली चीजें बनाई होंगी। हो सकता है उसका मकसद ये रहा हो कि इसके जरिए से हम दूसरे मुल्क पर कंट्रोल हासिल करें। उसका मकसद ये रहा हो कि हम आबादी अपने मुल्क में आबादी पर कंट्रोल करेंगे या पूरी दुनिया की आबादी को कंट्रोल करेंगे। हो सकता है उसका मकसद ये रहा हो कि इसको हम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है ये भी मकसद रहा हो कि इसको हम आलम इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। पहले इस तौर की कई साजिशें की जा चुकी हैं सहयोगियों की तरफ से, यहूद नसारा की तरफ से, कि जानवरों में एक वबा फैला दी गई और फिर जानवरों से वो वबा इंसानों में मुंतकिल हुई और देखते देखते सैकड़ों और हजारों इंसान लुक्मे अदल बन गए। तो आज सब इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन कोई भी ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं। किसी ने ये नहीं कहा, कोई ये नहीं कहता कि उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। ये हमारे गुनाहों की वजह से है। अल्लाह ने हमें हमारे किए की सजा के लिए ये वबा भेजी है, तो अल्लाह ने तो मुतलक एक वबा भेज दी। आलमी इदारे सेहत WHO ने उसका नाम कोरोना दे दिया। लेकिन वो भी इस नतीजे पर पहुंचने से कासिर रहा कि अल्लाह की जात ने, अल्लाह पाक ने, अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने ये आजाब दुनिया पर नाजिल फरमाया है और ये हमारे करतूत की सजा है, हमारे गुनाहों की सजा है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, وَهَوَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ। حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت نے بیان القرآن میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائے پھیل رہی ہیں۔ لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں کیوں پھیل رہی ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي، تاکہ اللہ تعالی ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے۔ اللہ پاک ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے، پھر کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ان اعمال سے باز آ جائیں، ان گناہوں سے باز آ جائیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ لعلہم یرجعون، جب اللہ پاک کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اللہ پاک ہر چہار جانب سے عذاب مسلط فرما دیتا ہے۔ اب آج کے اس دور میں دیکھیے، یہ صرف کورونا وبا صرف ایک عذاب نہیں ہے، بلکہ اس وبا کی وجہ سے، یا یہ کہیے کہ مختلف عذاب اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور ان مختلف عذاب، وہ مختلف عذاب اس کورونا کی وجہ سے ہو۔ تو اللہ پاک نے اولاً گناہوں کے سبب سے عذاب نازل فرمایا بلا کی صورت میں، اور پھر اس بلا کی وجہ سے مختلف عذابات اللہ نے ہم پر مسلط کر، مختلف عذاب کا نزول ہم پر ہوا۔ کہنے کو ایک بیماری ہے، مستشفی لے جایا جاتا ہے، ہاسپٹل میں بھرتی ہو رہے، لیکن دراصل ہر چہار جانب سے مختلف صورتوں میں یہ اللہ کا عذاب ہے، اور پوری دنیا عاجز ہے،
इस बीमारी को खत्म नहीं कर पा रही है, बल्कि अभी पहला मरहला खत्म नहीं होता कि दूसरे मरहले की पेशगोई हो जाती है, दूसरा मरहला खत्म नहीं होता कि तीसरे मरहले की पेशगोई हो जाती है। पूरी दुनिया में मौतें हो रही हैं, लाखों लोग लुक्मे अजल बन गए। कहीं तो कोशिश की जा रही है वबा को काबू में करने की, तो काबू में नहीं हो रहा, क्योंकि काबू में करने वाली जात अल्लाह की। कहीं काबू में करने की कोशिश ही नहीं की जा रही, क्यों कि वबा और ये जरसूमा जरासीम बनाने वाले का मकसद आबादी को कंट्रोल करना था। तो चलो भाई, जितना ज्यादा से ज्यादा हो मरने दो, उसके बाद भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो नासमझ ये नहीं समझ रहे हैं कि इसको खत्म करना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे बस में नहीं। जिस तरह इसको फैलाना तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बस में नहीं था, तुमने तो खामोशी से इस जरासीम को बनाया था, मकसद कुछ और था, लेकिन अल्लाह पाक ने तुम्हारे मकसद में तुमको कामयाब नहीं होने दिया, तुम्हारा सिस्टम फेल हो गया और अब ये फैल चुका है पूरी दुनिया में। तो अब तुम ये चाहते हो कि इसे रोक दो, ये भी मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे। आज की सूरत हाल को सामने रखकर हम मुख्तसर तौर पर बाद आजाब का जिक्र करेंगे और ये बताएंगे कि अल्लाह ताला ने बैक वक्त कितने आजाब हम पर नाजिल फरमा रखे हैं। इस वक्त अल्लामा इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह की बहुत मशहूर किताब है अद्दाउ वद्दवा, उसमें अल्लामा इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने फ़स्लुन मिन अद्दारिल मआसी लिल्अब्दि फी दीनिही व दुनियाहु व आखिरतिही के तहत इंसानी जिंदगी पर गुनाहों के असरात बहुत ही मुफस्सल अंदाज में लिखे, जिनकी तादाद तकरीबन 50 है। हम उस पूरे का इहाता तो नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से चंद एक का खुलासा हम बयान कर रहे हैं। पहले नंबर पर अल्लामा ने फिरमाने इल्म का जिक्र किया है। उनमें से एक ये है कि इंसान इल्म से महरूम कर दिया जाता है, यानी गुनाहों के नुकसानात दीन और दुनिया और आखिरत में क्या है, आखिरत में तो गुनाहों के क्या नुकसानात हैं वो तो मालूम है कि अगर इंसान तौबा करके ना मरा, हुकूकुल इबाद अदा करके ना मरा, कबाइर से उसने तौबा न की और वो इसी हाल में मर गया, जो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है और कुफ्र है, इसी हालत में मर गया, तो वो जहन्नम में जाएगा। इस पर आज जिक्र नहीं। दीन और दुनिया के क्या नुकसान आ रहा? नंबर एक दीन का नुकसान फिरमान इल्म, इंसान इल्म से महरूम कर दिया जाता है, क्योंकि इल्म एक रोशनी है। فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، علم ایک روشنی ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُغْطَى لِعَاصِي، اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا، علم ایک روشنی ہے جس کو اللہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے جبکہ گناہ اس روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ अब आजकल देखो, इस वबा की वजह से हमारे मकातिब व मदारिस बंद हो गए, तालीमें बंद हो गई, हुसूल इल्म का सिलसिला मुनक़ता हो गया, एक चलता फिरता मदरसा तबलीगी जमात उसका सिलसिला मुनक़ता हो गया। पहले जिस तरीके से काम हो रहा था आज वो काम नहीं हो रहा है, मस्जिदों में नमाजों पर पाबंदियां हैं,
हफ्ते में एक बार आवाम मस्जिदों से जुमा के खिताब में सीखा करते थे। बज़ाहिर ये सब कोरोना की वजह से है, लेकिन दर हकीकत अल्लाह पाक की नाफरमानियों के आम हो जाने की वजह से। उसका सबब हम सब लोगों का गुनाहों में मुब्तला होना है। नंबर दो, हिरमान रिज़्क, रिज़्क से महरूमी। इंसान अपने गुनाहों की वजह से रिज़्क से महरूम हो जाता है, जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है, इन्नल अब्द ला युतवमु रिज़्क बिज़्ज़म्ब युसीबु। यह हदीस मुस्नद अहमद में है और इमाम इब्ने माजा रहमहुल्लाह ने भी इसको जिक्र किया है। इब्ने माजा ने किताबुल फितर में जिक्र किया है हदीस नंबर 4022 और इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमहुल्लाह ने अपने मुस्नद में जिक्र किया है हदीस नंबर 22438 इन्नल अब्द ला युतवमु रिज़्क बिज़्ज़म्ब युसीबु, कि बंदा अपने गुनाहों के सबब रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। देखिए आज की सूरत हाल, कोरोना के इस दौर में गौर करें किस तरह अल्लाह पाक ने हम पर रिज़्क की तंगी की सूरत में अपना आज़ाब नाज़िल फरमाया कि आज इंसान एक एक रोटी का मुहताज बन गया। लोगों की मुलाजमतें चली गई हैं, मुलाजमतें जाने की वजह से, रिज़्क की तंगी की वजह से लोग खुदकुशी कर रहे हैं, हर चार जानिब लोग परेशान हैं, इलाज और मुआलजा के लिए पैसे नहीं हैं, एक वक्त खाने के लिए रोटियां नहीं हैं। ये सब क्यों? लयुख़्वमुर रिज़्क बिज़्ज़म्ब युसीबु, गुनाहों की वजह से। नंबर तीन, अल-वहशतु बैनहू व बैनन्नास, वो खौफ जो गुनहगार शख्स लोगों से महसूस करता है, लोगों से खौफ खाता है, एक दूसरों से दूरी अख्तियार करता है। क्योंकि गुनाह की वजह से ईमान में ज़ौफ आ गया, कल्ब ज़ईफ हो गया। अब क्या है भाई, फलां को कोरोना हो गया, उसको खांसी हो रही है, दूरी अख्तियार कर, उसको नज़ला हो गया है, दूरी अख्तियार कर, उससे मुसाफा नहीं करना। अब तो चलिए, पहले तो ऐसा था कि अलामात देख कर लोग दूरी अख्तियार करते थे, अब तो सूरत हाल यह है कि आदमी सेहतमंद है, उसे कुछ भी नहीं है, कोरोना का कोई असर भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी दूरी अख्तियार किए हुए, एक मीटर की दूरी, मुसाफा बंद, गुफ्तगू बंद, पूरे सर को ढके हुए हैं, फिर बात कर रहे हैं। क़यामत का मंजर है, क़यामत के बारे में अल्लाह पाक ने क़यामत की मंजर कशी की है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, अपने दोस्तों से भागेगा, अपने बाप अपने माँ से भागेगा, अपने भाइयों से भागेगा। आज यही सूरत हाल है, हम एक दूसरे से दूरी अख्तियार किए हुए हैं, उनसे भाग रहे हैं, जिंदगी में तो भाग ही रहे हैं। जब वो बेचारा मर जाता है, खा वो कोरोना की वजह से मरा हो, इस वबाई मर्ज में मरा हो, या वो फितरी मौत मरा हो, लोग कफनाने और दफनाने को भी तैयार। अल-वहशतु बैनहू व बैनन्नास, लोगों से खौफ महसूस करता है, भागता है, खुसूसन नेक लोगों से। और जब नेक लोगों से वो खौफ करेगा तो उनकी मजालिस से दूरी अख्तियार करता है और उनसे इस्तिफादा की बरकत से महरूम हो जाता है। और जब वो नेक लोगों से दूरी अख्तियार करता है तो वो जितनी दूरी नेक लोगों से अख्तियार करेगा उतनी ही शैतानी जमात के करीब तर होता चला जाएगा। कि आज पूरी दुनिया में ये सूरत हाल नहीं? नंबर चार, तासीर उमूर ही अलैह, मुआमलात में तंगी।
गुनाहगार शख्स अपने सामने मुआमलात की तंगी और खैर के हर दरवाजे को बंद पाता है। खैर का हर दरवाजा वो सोचता है बस दुआएं कर रहा हूं, अल्लाह पाक दुआएं कबूल नहीं कर रहा, बीमार हूं, नजर मानी, मन्नते मानी, बकरे जबह किए, किसी तरह बच्चा बच जाए, बीवी बच जाए, शोहर बच जाए, और अब क्या सूरत हाल है? हम आए दिन देखते हैं वीडियो ऑडियो, वजीर आजम मुझे बचा लो मैं मरना नहीं चाहता, वजीर आला मुझे बचा लो मैं मरना नहीं चाहता। वो मायूस हो चुका है, अपने ऊपर सारे खैर के दरवाजे को उसने बंद पाया। वो कहता है कि बस अब भगवान कुछ नहीं कर सकता, अब अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, अब जो भी कुछ करेगा वो डॉक्टर करेगा, जो भी कुछ करेगा वो वजीर आला वजीर सेहत वजीर आजम करेंगे। लेकिन वजीर आला हो या वजीर आजम हो या वजीर सेहत, जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है तो सारे दुनियावी सिस्टम फेल हो जाते हैं। लाख कोशिश करो, खुद कोई वजीर अपने आप को नहीं बचा सकता तो वो दूसरों को क्या बचाएगा? ये भी गुनाहों का असर है कि बंदे को मालूम ही नहीं कि खैर और शर का मालिक कौन है, किधर से मुआमलात तय होते हैं, किधर से मुआमलात का नुजूल होता है, मुआमलात का सुदूर होता है, इसीलिए वो खैर के दरवाजे को बंद पाता है। नंबर 5, अल मआसी तुहिनुल क़ल्ब वल बदन, यानी दिल और बदन की कमजोरी, कि गुनाह इंसान के दिल और बदन को कमजोर कर देता है। दिल इतना कमजोर हो जाता है कि उसकी रूहानी मौत वाकई हो जाती है, जबकि बदन की कमजोरी दरअसल दिल की कमजोरी है, क्योंकि मोमिन की सारी कुव्वत उसके दिल में होती है। आज हमारी ये सूरत हाल है कि सिर्फ इस वबाही की वजह से हर चार जानिब से उसके मुख्तलिफ असबाब पैदाइश का जिक्र हो रहा है, लेकिन एक बार भी कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह की तरफ से ये आदाब है। और इंसान सोचते सोचते ही मर जाता है कि फुला की वजह से हुआ, फुला की वजह से हुआ, फुला की वजह से हुआ, और इस तौर पर रूहानी और जिस्मानी मौत का शिकार वो इस वबा की वजह से हो जाता है। लेकिन दर हकीकत वो इस वबा की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं, बल्कि गुनाहों की वजह से। गुनाहों के ये चंद असरात मैंने कदर तफसील से जिक्र किए, उसके अलावा और भी बहुत से नुकसान का जिक्र है। मसलन गुनाह की नहुसत से उम्र घटती है, एक गुनाह दूसरे गुनाह का सबब बनता है, गुनाहगार अल्लाह की नजरों में जलील रुस्वा हो जाता है, गुनाहगार इंसानों की नजरों में भी जलील रुस्वा हो जाता है। فَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ, سورة الحج آیت نمبر 18। پتہ چلتا ہے کہ گناہ ذلت و رسوائی کا سبب, سب سے بڑا نقصان وہ ہے جو آیت میں مذکور ہے کہ گناہوں کے سبب وبائیں آتی ہیں۔ ہم نے یہ ساری باتیں بالتفصیل, میں نے تو بہت مختصر ذکر کیا ہے, تفصیلا علامہ ابن قیم نے الداء والدواء میں ذکر کیا ہے, صفحہ نمبر 132۔ مکۃ المکرمہ دار العالم الفوائد سے یہ کتاب طبع ہوئی۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اسے صرف وبا سمجھ کر غافل نہ ہو جائیں, بلکہ وبا کے جو حقیقی اسباب ہیں اس پر غور کر کے ان کا سد باب کریں۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ وبائیں اور پریشانیاں, خواہ زمینی ہوں یا آسمانی, ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, اس لیے ہمیں مخلوقات اور ان کی طاقتوں کو قطع نظر کر کے اللہ کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس عذاب و تداوندی کے سامنے بے بس ہیں, پورا سسٹم فیل ہے,
یہ عذاب انہوں نے اور ہم نے خود پر مسلط کیا ہے اور خود کر دہرا علاج نیس. اللہ پاک ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے, اللہ پاک عالم اسلام کی حفاظت فرمائے, اللہ پاک اس وبا کو ہم سے دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.